नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हम इस समय हरचंदपुर विधानसभा के अगले पड़ाव पर है। ये ढकिया चौराहा कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये जगह हरचंदपुर विधानसभा तय करती है कि कौन विधायक बनेगा और कौन नहीं बनेगा। यहाँ पर गरम चाय के साथ जो है चुनावी चर्चा भी हो रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। सर, क्या परिचय है आपका? लाल बहादुर से। चुनाव आ गए हैं, सभी विपक्षी पार्टियाँ लोक लुभावन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं, तो क्या रहेगा आपकी बार हरचंदपुर विधानसभा का मूड? भाजपा। क्या कारण है? भाजपा चाहे विकास में ले या भ्रष्टाचार कम करने में ले या कोविड जो महामारी आई उसमें सफल, आज एक साल से जो राशन वितरण हो रहा है फ्री में, कोई भी सरकार आज तक संकट काल में ऐसा कुछ किया हो, या भर्ती में जो भ्रष्टाचार होते थे वो भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो इसलिए भाजपा की सरकार बनना तय है। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई काहे में बढ़ गई है? खाने पीने के सामानों में तेल है, खाद्यान्न है। तो तेल, जब तेल का उत्पादन कम नहीं है, जब तेल का उत्पादन है तो तेल रेट बढ़ ही जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ भाजपा 100% भाजपा की सरकार। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही इस विधानसभा में भारी पड़ रही। हमारे साथ कुछ और साथी, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। सर, क्या परिचय है आपका? सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। चुनाव आ चुके हैं, सभी पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। जी 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 जी। तो हरचंदपुर विधानसभा आपकी बार क्या गुल खिलाएगा? हर्षद बुधा साहब की बार तो अपने राकेश विधायक जी हैं जिनको भाजपा से टिकट मिला हुआ है, वही जीतने के चांस पूरे आसार हैं, जीतेंगे वही। वो तो दल बदल के आए हो, तो कांग्रेस से जीते थे। समय समय की बात है, उस समय कांग्रेस सत्ता था, आज बीजेपी की लहर है, और वो ऐसे ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, आपके विधायक जी काम देखेंगे तो आपको हर क्षेत्र में बच्चा उनका पूरा नाम जानता है, राकेश सिंह विधायक। बाकी आप किसी और से पूछ लेंगे तो विधायक का शायद नाम भी नहीं बता पाएंगे, किस पार्टी से कौन विधायक को बता नहीं पाएंगे, जबकि ग्राउंड लेवल सड़कों को लेके हो या फिर किसी व्यक्ति से किसी सुविधाओं को लेके हो, विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। नहीं, योगी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है? नहीं, योगी सरकार तो 100% बन रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। विपक्ष तो बहुत कह रहा है कि अपराध बहुत बढ़ गया है, महिलाओं पे अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। वो सिर्फ कहने की बातें हैं, लोग तो कहने में कुछ भी बोल सकते हैं ना। लोग भगवान को नहीं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, तो इसमें थोड़ी नहीं पार्टी नहीं बन पाई। बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और योगी बाबा बिल्कुल इसमें अच्छे सीटों से आएंगे, पूरी तरह से योगी बाबा अच्छे सीटों से आए गए हैं। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और प्राइम टीवी की टीम इस समय जनता का मूड जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हरचंदपुर विधानसभा के गंगागंज कस्बे में मौजूद है। हम इस समय कस्बे के एक होटल में मौजूद है। आप देखिए यहाँ गरम गरम ये छोले समोसे बन रहे हैं, गरम गरम गुजिया है, दही जलेबी है, और इसी के साथ ही यहाँ पर चुनाव की चर्चा भी धीरे धीरे गर्म हो रही है। लोग यहाँ पर गुनगुनी धूप में आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी अपनी राय बना रहे हैं कि हरचंदपुर विधानसभा अब की बार क्या गुल खिलाएगा। सर, क्या परिचय है आपका? सर, हमारा नाम है आचार्य बीरेन चौधरी। हरचंदपुर विधानसभा अब की बार क्या रंग दिखाएगा? सर, हरचंदपुर विधानसभा हरचंदपुर से ही कांग्रेस ने पिछली बार भी निकाला है, इस बार कांग्रेस का ही प्रत्याशी निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी तो बागी हो गया है। तो सर, बागी हो गया तो नवयुवक प्रत्याशी बहुत से हैं, कोई नया प्रत्याशी लेके आएंगे मैदान में? वैसे दावेदार चार लोग हैं आज की डेट में। क्या कारण है कि लोग कांग्रेस से लगातार दूर हो रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं? दूर होने का कारण है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से रायबली का विकास बिल्कुल जीरो हो चुका है। जब कांग्रेस थी उसके पीरियड में आप ये मान के चलिए कि एम्स वगैरह आए, लालगंज रेलवे कोच भी आई और काफ़ी विकास हुआ, लेकिन जब से बीजेपी आई तब से विकास इसका बिल्कुल समाप्त हो गया।
बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। बहुत विकास किया सर, अब वो किसानों से पूछा जाए क्या पेट्रोल का रेट यही होना चाहिए, डीजल का रेट यही होना चाहिए, क्या आप कड़ुआ तेल का 200 के ऊपर रेट होना चाहिए, ये कोई रेट होता है? किसान का धान आज की डेट में सही में माना जाए तो खरीदा नहीं जाता है, किसान लेने के लिए तैयार नहीं है। बताएं कि 10 रुपये 12 रुपये में दे दीजिए, क्या किसान कह सरकार तो कह रही है कि हमने अपराध पे नियंत्रण किया है, गड्ढा मुक्त सड़कें दी। बहुत सर बहुत मुक्त हैं, आप आइए और देखते हैं लखनऊ टू, आप ये आप ऊंचाहार चलिए, देखिए कितने गड्ढे मुक्त हुए हैं, गाड़ी कहिए तो लहरा के खंती में चली जाए, ये कंडीशन आज की डेट में है। तो हरचंदपुर विधानसभा क्या रंग दिखाएगी आपकी बार? हरचंदपुर रंग जो पिछली बार दिखाया था वही रंग इस बार भी दिखाएगा। ये कांग्रेस के पक्ष में ही कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, हमारे साथ एक और हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। जरा क्या परिचय है आपका? मुन्ना पांडे, व्यापार मंडल अध्यक्ष, गंगागंज। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, सभी पार्टियां जो हैं अपने लोक लुभावन वादों के साथ मैदान में हैं, तो हरचंदपुर विधानसभा में क्या गुल खिलेगा आपकी बार? हरचंदपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा, अगर जो राकेश सिंह जी को टिकट ना दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या होगा? अब राकेश सिंह जी को टिकट ना दिया तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि राकेश सिंह ने इस विधानसभा में जब से विधायक बने हैं इतने काम किए हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में इतिहास में विधायक मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन उसके बाद विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। सही नदी है हमारे यहाँ जाती है, 5-5 पुल बनवाया योगी, काम भी चल रहा है। योगी सरकार या सपा सरकार, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भी योगी की बनेगी। विपक्ष तो कह रहा है बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे विपक्ष तो अपना विरोध करेगा ही, लेकिन महंगाई है तो विकास भी है, और महंगाई के कुछ कारण भी हैं। अभी कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में जिस तरह से भाजपा सरकार ने लोगों को मदद दिया, सहयोग दिया, तो ये क्या कम है? अच्छा, ये बुआ और बबुआ का क्या होगा? अरे बुआ बबुआ क्या बात करते हैं, सरकार तो बनेगी योगी बाबा की। बुआ बबुआ न बुआ आएंगे न बबुआ आएंगे, आएंगे तो योगी बाबा ही आएंगे। हमारे साथ एक और लोग हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। सर क्या परिचय है? हमारा नाम विद्या विनोद सिंह जी है। वर्तमान चुनाव में हरचंदपुर विधानसभा क्या रंग दिखाएगी? हरचंदपुर विधानसभा हो या रायबरेली, कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ से जो भी जीते हैं कांग्रेस के बैनर से जीते हैं। कांग्रेस तो भाजपा तो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त रायबरेली हो गई है। कहाँ से हो गई, अभी तक जो अभी बात हो रही थी, जो यहाँ से विधायक कांग्रेस के आज भी विधायक हैं रहे हैं, उनके कार्यकाल में विकास हुआ है रायबरेली का, और जो विकास रायबरेली का किया है कांग्रेस ने किया है, भाजपा ने यहाँ एक ईंट नहीं लगवाया। जो भाजपा तो कह रही है कि हमने स्कूल से लेके अपराध नियंत्रण से लेके और गड्ढा मुक्त सड़कों की योजनाएं दी हैं, उज्ज्वला गैस, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा जनता को, जनता को महंगाई झेल रही है। आज एक बात कहना चाहता हूँ, यही भाजपा सरकार है, जब 10 रुपये बढ़ते थे गैस सिलेंडर में तो थाली लेकर इनके नेता निकल पड़ते थे, और आज 1000 पार है गैस सिलेंडर, कोई विरोध नहीं हो रहा है। यही डीजल पेट्रोल के लिए सड़कें जाम की जाती थी, लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं। योजना आपके सामने 1000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, क्या मतलब है, और किसके पास पैसा आ रहा है उस छूट का? हमारे दादा तो कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। अरे भैया, राजन रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा इस बार भी, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट अब जीतने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही रायबरेली की सारी सीटों में अपना परचम लहराएगी, भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। वो तो समय बताएगा, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा रायबरेली जनपद में। और ये बबुआ का क्या होगा? अरे बबुआ, फिर वही बात आ गई, न बबुआ न बुआ, अब की बार केवल बाबा और फिर बाबा। न बबुआ आएंगे न बुआ आएंगी, आएंगे तो सिर्फ योगी बाबा आएंगे। हरचंदपुर विधानसभा की जनता का यही मूड है। अब प्राइम टीवी अपने अगले पड़ाव पर जा रही है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम इस समय हरचंदपुर विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाट की दुकान में भीड़ लगी है और गरम गरम चाट बन रही है, राजनीति भी गरम गरम हो रही है। आए, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम प्रदुम गुप्ता है। वर्तमान सरकार जो है, चुनाव आ गए, सभी पार्टियां हैं जी,
तो क्या रहेगा आपकी बार सरकार? आपकी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कारण है जो बीजेपी? कारण है जैसे आवास मिल रहे हैं, लाइटिंग बन चुकी हैं और कॉलेजों में जो है फीस माफ़ हो चुकी है, ठीक है, और इसी तरह की दो कर्जा माफ़ हो रहा है, बिजली का बिल जो है वो भी माफ़ हो रहा है, तो इसी वजह से सरकार काम अच्छा कर रही है। ठीक है सर, सरकार काम अच्छा कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। कि आप देखिए माता जी, हाँ। क्या नाम है आपका? रानी। चुनाव आ गए हैं, सब पार्टी मैदान में कूद पड़ी है, हाँ। तो सरकार किसकी बन रही है आपकी बार? अरे भैया यहाँ बीजेपी का हर का करे, उनके नाव वाव नहीं आव तुम हमारे पीछे ना वो करो, हम तो वोट हम यही का दिया। काहे लिए वोट दियो? वोट दिया यहाँ जो हमारा सुविधा सब हो ही रही, अब कॉलोनी फिली फ्री गल्ला बांटी में का ले जाए था ना, और पैसा हमारा पेंशन आई है, लफड़ाई नहीं ना गुंडाई नहीं लफड़ाई नहीं, और का कही भैया कहीं ना कहीं अपराध नियंत्रण और मुफ्त राशन से सरकार को बहुमत मिलता दिख रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा साथी और है, आइए इनसे क्या पूछते हैं आपका। जी दिनेश, चुनाव आ गया है जी, सभी लोग पार्टियां मैदान में हैं, लोकल लोक लुभावन वादों के साथ जी, तो क्या रहेगा इस क्षेत्र में? हटियो हरचंदपुर विधानसभा है, ये तो बहुत बड़ी विधानसभा है, तो यहाँ के लोगों का साथ अब की बार किसको मिलेगा? बीजेपी का। किन वजहों से? ये बहुत सारी बातें हैं कि जैसे गुंडागर्दी नहीं है, जैसे कि सारे जो है कि सिस्टम बदलाव हुआ है, पहले के जैसे अब सिस्टम नहीं रह गया, हर चीज़ का चेंजिंग है ना, पहले के जैसा नहीं है। विपक्षी पार्टी तो कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे महंगाई भैया, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी ही, लोग घर पहले खेती कितनी होती थी अब कितनी हो रही, उसी में मकान बन रहे हैं, तो भैया महंगाई बढ़ेगा ही है, जिस पैदा जैसे होगा वैसे महंगा होगा, पैदा जैसे होगा वैसे ही महंगा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ हरचंदपुर विधानसभा में लोगों की राय मिली जुली रही है। अपराध नियंत्रण पर सरकार को सराहा है, किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरा भी है। देखते हैं अगले गांव में प्राइम टीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर जाती है तो वहां पर क्या होता है। प्राइम टीवी की टीम अब दूसरे क्षेत्र में हरचंदपुर विधानसभा के पहुंच गई है, ये मलिक मऊ चौबाड़ा का कस्बा है, यहाँ पर बड़े सम्मानित लोग हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं क्या राय है अब की बार, जनता क्या मन बना रही है। दादा क्या परिचय है आपका? राधे कृष्ण द्विवेदी। वह चुनाव आ गया है, सभी राजनीतिक दल जो है लोक लुभावन वादों के साथ मैदान में है, तो अब की बार हरचंदपुर विधानसभा की जनता का क्या मूड है? भाई हम हरचंदपुर विधानसभा में नहीं हैं, हम सरेनी विधानसभा में हैं, अब यहाँ की तो जनता की हम नहीं बता सकते हैं। सरकार किसकी बन रही है अब की बार? सरकार तो योगी की बनेगी। विपक्षी तो आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। विपक्ष से हमसे क्या लेना देना है, जो सरकार है उसी की दुहाई है हमको लोगों को। भाजपा की सरकार बने, हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, आइए जानते हैं। दादा क्या परिचय है आपका? महादेव त्रिवेदी, मलिक मऊ चौबाड़ा। तो वर्तमान चुनाव आ गए हैं, क्या है जनता का मूड? जनता का मूड, हमारा मूड यही कि योगी की सरकार बनेगी। विपक्ष को कह रहा महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई है तो वही हिसाब से योगी जी व्यवस्था तो कर रहे हैं, महंगाई के साथ साथ व्यवस्था तो कर रहे हैं कि महंगाई हुई तो विकास हुई, महंगाई होगा तो विकास भी होगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय। दादा क्या परिचय है आपका? देवता प्रसाद मिश्रा, मनहेरू। चुनाव आ गए हैं। चुनाव आ गए हैं तो हम लोग योगी के साथ हैं, ये लेके हम लोग विकास चाहते हैं। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है, कुछ भी लगावे लगावे दो, हम लोग तो भाई भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। यहाँ पर जो भी है हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या बच्चे हैं आपका? रत्नेश तिवारी नाम है हमारा, अमावा ब्लॉक से हैं हम। वो किसकी सरकार बन रही है अब की बार उत्तर प्रदेश में? योगी जी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी। विपक्ष तो बहुत बड़े आरोप लगा रहा है, रैली कर रहा है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आरोप पे आरोप लगाएंगे ही। योगी की सरकार है, यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व नजर आ रहा है हरचंदपुर विधानसभा में। हमारे साथ एक साथी और है,
आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या परिचय है आपका? राजकुमार त्रिवेदी। चुनाव है, सब मैदान में कूद पड़े हैं भाई, उनका तो कूदना ही पक्ष विपक्ष है, तो सभी आपने आएंगे मैदान में डटेंगे भी, लेकिन जनता की जो जिस पर भरोसा है और जितने जितने कार्य अच्छे भाजपा ने किए हैं अभी अब तक देख लिया जाए वर्तमान में और भविष्य में भूत में जितने भी आए हैं, लेकिन इतना कोई कार्य नहीं कर पाए। महंगाई है तो महंगाई जितनी हुई है उसका निवारण भी तो किया है उन्होंने, योगी ने। कुछ और साथी है, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या परिचय है आपका? हमारा राम गुलाम पटेल। जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार, चुनाव आ गए हैं, सारी पार्टियां मैदान में हैं, तो वर्तमान सरकार से कितने खुश हैं आप? पूरी तरह से संतुष्ट। क्या अच्छाइयां हैं? अरे सब अच्छाइयां हैं, हम संतुष्ट हैं बस। नहीं कि मतलब किन किन मुद्दों पे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम इस पार्टी के सदस्य हैं, इस नाते संतुष्ट हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता होने के कारण ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं नीतियों से। हमारे साथ और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। दादा क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रामदेव वर्मा है। चुनाव आ गए हैं, सभी पार्टियाँ लोग लुभाने वादों के साथ जनता के बीच में है जी, तो वर्तमान सरकार से कितना खुश है या कितना नाराज है? सरकार से क्या खुश हैं, सरकार जो भी वादे किए हैं आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है, किसानों को हमेशा छला गया है, तो किसानों के हित में तो कोई है ही नहीं है। इधर जो 3 कानून भी वापस ले लिया है उसके बाद भी कोई संतुष्टि नहीं है, MSP की गारंटी भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, सरकार तो अपराध नियंत्रण हो चाहे फिर मुफ्त राशन योजना हो, इस पर तो काम कर ही रही है ना? कर रही है, लेकिन हर मोर्चे पे विफल है, हर मोर्चे पे जो है सरकार विफल है। क्राइम भी नहीं रुक रहे हैं, क्राइम देखिए कितने बढ़े हुए हैं। योगी सरकार तो कह रहे हैं कि माफिया सारे जेल में हैं। माफिया उन्हीं के जेल, मतलब जो उनके एंटी हैं वही जेल में हैं, जो गवर्नमेंट के हैं वो सब बाहर घूम रहे हैं। वर्तमान योगी सरकार को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? अब हमारे हिसाब से तो 0 है गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं सरकार पे नाराजगी है। ये किसान साथी थे हमारे साथ, एक और ये किसान साथी हैं, ये जानते हैं इनकी भी क्या राय है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है, योगी सरकार यहाँ दोबारा जो है अपने कार्यकाल को लेकर, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे अपराध नियंत्रण हो, चाहे माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे गड्ढा मुक्त सड़कें हो, प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है। वहीं विपक्षी पार्टियाँ लगातार महंगाई, बेरोजगारी और सरकार किसानों के मुद्दे पर सरकारों पर हमलावर हो रही हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय हरचंदपुर विधानसभा में है, यहाँ गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं, इसी के साथ राजनीति भी गरम हो रही है। हमारे साथ ये होटल व्यवसायी, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या परिचय है आपका? कौशलेन कुमार, मेरा नाम है। वर्तमान सरकार जो है इससे आप कितना खुश हैं? खुश तो नहीं है। क्या कमी है? अरे सब खेत चरे जा रहे खेत जानवर। सरकार किसानों को के लिए कि अब तो कृषि कानून भी वापस ले लिया है। अरे तो यहाँ जानवर तो सब घूम रहे हैं, सब चरे डाल हैं, कोई रेट भी नहीं मिल रहा गेहूँ धान का। कौनो गेहूँ धान के रेट को लेके इनकी नाराजगी है। हमारे साथ एक युवा साथी और है, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुधांशु पटेल है, हम स्टूडेंट हैं और हम योगी सरकार से बिल्कुल भी नहीं खुश हैं, क्योंकि वो रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल फेल हो गई। क्या कमी दिख रही है आपको? अरे हम स्टूडेंट हैं, हमें रोजगार चाहिए और उसमें बिल्कुल फेल है बीजेपी गवर्नमेंट। सरकार तो वादे कर रही है कि हमने अपराध नहीं, अपराध से हमसे क्या मतलब, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार से मतलब है, उसमें बिल्कुल फेल है सरकार। रोजगार चुनाव आ गए हैं, सभी पार्टियां मैदान में हैं, तो क्या कहना है सरकार को लेके आप? देखिए सरकार कहीं ना कहीं सही है और कुछ उसमें गलतियाँ हैं। किसानों वाली जो 1 साल हो गया उसमें उनको तत्काल लेना चाहिए, इस वक्त नाराजगी है कि वापस ले लिया है, किसानों का जो बिल वापस लिया वो गलत किया उन्होंने राजनीति फायदा के लिए, उनको वापस नहीं लेना चाहिए। आज ये वापस हुआ, कल अगला वापस कराएंगे, कल अगला वापस कराएंगे, सरकार चुनना जनता काम है, फैसला वहाँ गलत हुआ है। नहीं तो क्या किसानों को ये बिल वापस नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ। तो किसान नेता तो कह रहे हैं, वो किसान नेता उसमें जो भी हैं उसमें किसान, छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं है, सब बड़े किसानों को फायदा है, छोटे किसानों का फायदा किसान बिल ही में था।
अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो केंद्र सरकार ने बिल वापस लिया है, ये किया वो गलत किया है, उसको वो उसी तरह रहना चाहिए था, उसमें बड़ों का फायदा, छोटे किसान का कहाँ फायदा। वर्तमान योगी सरकार से कितना खुश हैं आप? वो क्राइम में फेल है सरकार, क्राइम नहीं रोक पाई। क्यों, तो कह रहे सारे माफिया जेल में? देखिए कहना अलग चीज, लेकिन क्राइम नहीं रोक पाए, कहीं चार मर रहे हैं, कहीं तलवार से काट रहे हैं, क्राइम नहीं रोक पाए। सरकार विकास किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि विकास नहीं किया, लेकिन क्राइम नहीं रोक पा रहे हैं। अपराध नियंत्रण पर सवाल उठे हैं यहाँ पर, हमारे साथ एक साथी और है, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार चौधरी। चुनाव आ गए हैं, सभी पार्टियां मैदान में हैं, तो वर्तमान सरकार से आप कितना? हम बिल्कुल पूरी तरह से असंतुष्ट रहे हैं। किसान का सबसे बड़ा नुकसान है, पहले की सरकारों में 18 रुपए 19 रुपए किलो गेहूं बिकता था, 800 रुपए की डीएपी थी, आज 1500 की डीएपी है और 1200 का गेहूं है। डीजल की भी समस्या है, डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली 1.5 गुना ज़्यादा बिल बढ़ गया है। सरकार मुफ्त राशन दे रही है, के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला गैस योजना का भी तो दे रही है, लेकिन लागत बढ़ा के, इन्होंने कहा था कि हम किसान की लागत दुगना करेंगे, आमदनी दुगना करेंगे, लेकिन इन्होंने बढ़ा के लागत तो बढ़ा दी है, आमदनी घटा दी है किसान की। मेन चीज़ है, अब तो कृषि कानून वापस भी हो गए। कृषि कानून वापस वो अलग चीज़ है, लेकिन किसान कोई फायदा नहीं हुआ है, एक पैसा फायदा नहीं हुआ हमारे हिसाब से। ये तो कह रहे थे आपके साथी कि किसान को जो है वो हमारे साथी, सबका अपना अपना मत है, हर आदमी एक तरह नहीं है, सबका अपना, हमारा जो अपना, हमारा मत हम बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं, कोई अपना बता रहा है। वर्तमान योगी सरकार को आप 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? हम 0 नंबर देते हैं। वर्तमान योगी सरकार से कहीं ना कहीं किसान नाराज है, हरचंदपुर विधानसभा का, अब देखना है, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा कि क्या परिणाम होता है। यहाँ कुछ आम पब्लिक है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा, इस बार चुनावी माहौल आ गया है, सपा भाजपा बसपा कांग्रेस लोग किसको जिताने का प्रयास करेंगे, लखनऊ की गद्दी किसको बैठाएंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसको लोग बैठाना चाहते हैं। इसी क्रम में जी बताएं आपका नाम? संत कुमार जायसवाल। ये बताइए जायसवाल जी, इस बार किसको जिताना चाहते हैं? अच्छा, योगी का क्या आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, जिसे आप योगी के बारे में बोल रहे हैं? योगी का कार्यक्रम अच्छा लगा, कोई काम एक बताइए जो अच्छा लगा होगा, कोई एक काम बताइए। गल्ला बट रहा है, दो बार तो अच्छा रहे, गरीब जीत रहे हैं, खा रहे हैं, हर कुछ हो रहा है। कितना दिन से फ्री में मिल रहा है? या 4 या 5 महीना से हो गया, 5 महीने से फ्री में दे रही है। देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं गरीबों के लिए 4 या 5 महीने से गवर्नमेंट के द्वारा राशन फ्री में दिया जा रहा है, अभी 4 महीना फिर डेट बढ़ गया, मार्च तक 2022 बढ़ गया है। मतलब संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट। फिर लखनऊ भेजेंगे? हाँ। सत्ता पे योगी जी बैठेंगे? बिल्कुल। मेरा नाम सुधारी गुप्ता है, और मेरा नाम है तस्वीर का हूँ। ये बताइए सुधारी जी, अभी चुनाव माहौल चल रहा है, सभी पार्टियाँ काम कर रहे हैं, तो क्या चुनाव इस पर किसको आप बैठाना चाहते हैं, यूपी के राजगद्दी पे इसको राजा बनाना चाहते हैं? देखिए दावा तो सभी पार्टियों का अपना काम है, तो उनका जिम्मेदारी है, किसको आप बैठाने के मूड बना लिए हैं? जहाँ तक हमारा सवाल है, आप पूछते हैं हमसे, तो हमारे जो निजी राय है योगी जी को जाता हूँ। योगी जी का कोई ऐसा कार्यक्रम बताइए इससे आम जनता, एक नहीं मैं आपको 500 काम गिरा सकता हूँ, एक बात आप कुछ काम बताइए जो आप मीडिया वाले हैं, आप तो घूम रहे हैं, आपको कुछ काम दिखाई देता होगा, काम बताइए जो आपको अच्छा लगे। पहला काम भी है, देख लीजिए यार, 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने कभी भी जितना काम किया, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं यहाँ धरातल पे लागू किए, कोई भेदभाव नहीं किए। दूसरी बात कि गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म समुदाय जाति से हो, इतना बड़ा गुंडा रहा हो, वो आज सब में घूम गए, 4500 बड़े बड़े गुंडे अंदर हैं, आपको शायद पता नहीं होता। और इस समय वर्तमान में 2500 लोगों का FIR हुआ है, और आए दिन बुलडोजर चल रहा है, उनकी संपत्तियां जो जब्त हो रही है, मतलब सरकार ये आपको लग रहा है कि इस बार फिर पुनः योगी जी
नहीं आना चाहिए, यूपी के राजधानी राजगद्दी पे बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, उनकी उम्मीद आना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने शासन किया, मुझे लगता है कि काफ़ी जनता इनसे पसंद है। और कोई काम भी आप जाना चाहेंगे, सड़क का काम है, राशन वितरण का काम है। इसके पहले जो सरकारें थी, राशन का कार्ड बनते रह गया, कभी राशन लोगों को मिल ही नहीं, मिलता भी था तो जो उनके आका लोग होते थे वहाँ सब गबन हो जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पुरुष सभी से पूछे, कोई तो नहीं चाहता कोई काम करें, कोई तो धर्म का कोई भेदभाव को कर नहीं रहे हैं। ये 24 करोड़ जनता की बात करते हैं, जल्दी करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिधारी जी। जी चलिए, जब आपकी इच्छा है तो हो सकता है योगी जी ही तो आएंगे। आएंगे पक्का, पक्का एकदम। इस बार सपा से कांग्रेस को, भाजपा से मोदी जी को, कांग्रेस पार्टी को आप लखनऊ में सत्ता में राज करके किसको बैठाने की सत्ता है? योगी जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी जो महानी हैं और हिंदू समाज के एक रूप है। अच्छा, योगी जी का ऐसा कुछ कार्य बताइए जो आपको अच्छा लगे, जिससे आम जनता को भी आपका संदेश आ सके। योगी जी के जितने भी कार्य काल में जितने भी कार्य हुए हैं सब सराहनीय हैं। आज देख लीजिए, अपने यहाँ जो है डीजल का दाम घट गया, पेट्रोल का दाम घट गया, विपक्ष वाले बार बार इस मुद्दे को उठाते थे, लेकिन योगी जी ने सब्सिडी लेकर के पब्लिक को तेल का दाम कम किया। और महंगाई की जहाँ तक सवाल है, अगर आप जानते हैं उपेंद्र जी, बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी लोग विपक्ष सपा कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पे, इसके बारे में क्या कहना है? उन लोग का कहना टोटल सरासर गलत है, महंगाई कुछ भी नहीं है, ये महंगाई हमको स्वीकार है, लेकिन जो राम राज चल रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमको ये चाहिए। आज देश की जितनी बड़ी जटिल समस्याएं थी, मंदिर का हो चाहे धारा 370 हो, चाहे आगे आने वाले जितने भी कानून हो, सब देश के हित में लोग करने वाले हैं। ये बताइए, इस बार चुनाव आने वाला है, आप किसको जिताएंगे? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, किसको? नहीं लाइन से नहीं, मतलब आपको किसके किसके गवर्नमेंट में आपको अच्छा लगा, ये बताइए। विजय सिंह को सपा को देना है कि विजय सिंह को देना है? हाँ। ये नहीं सपा का, विजय सिंह आपके लिए नहीं, सपा में नहीं, आपके चेहरा विजय सिंह गोड़ है कि सपा है? विजय सिंह। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? इस बार किसको लखनऊ भेजना चाहते हैं? अभी तो हम नहीं सोचे, फिर भी कुछ तो सोचे होंगे, जब चुनाव और तो करना है। हाँ, जहाँ सब जनता है, नहीं और तो आपको करना है। हाँ, तो किसको भेजेंगे? जैसे हमने को टोला मोहल्ला में समझाएंगे। टोला मोहल्ला अलग की चीज़ है, इस बार आपके काम किसको अच्छा लगा, क्या हुआ कुछ तो बताएंगे, किसको भेजेंगे? भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत पार्टियाँ, किसको भेजना चाहते हैं? सपा को, सपा को देंगे। बताइए, इस बार चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, सपा जितनी भी हैं, मतदाताओं को रुझाने के प्रयास कर रही हैं, कई कार्यक्रम कर रही हैं, तो आपको क्या, इस बार किसको आप जिताना चाहेंगे? सपा को। सपा का कोई ऐसा काम बताइए जिसमें सपा ने अच्छा काम किया कि आप सपा को कह रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया है। एकाध काम बताइए आपका, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो समाजवादी पेंशन सब बहुत लोगों को मिल जाते हैं जी जी, गरीब परिवार के, जी जी, जिससे उन बेचारों को जो है थोड़ा बहुत मतलब सहारा मिल जाता था। जी जी, आज वो सारे चीज सब बन गए, मतलब ये मूड बना लिए हैं किस बार सपा को बैठाना? हाँ, हम तो भाई मूड बना लिए हैं, बाकी अब जनता, जनता की अदालत है, जनता क्या करेगी, अब उसके लिए हम क्या करेंगे। तो और कोई दो चार काम और ऐसा बताइए जिससे आपको लगे कि आप अभी बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, ऐसी व्यक्ति हैं, उसमें जो आपके बाद जनता तक जाएगी, तो ऐसा और उसमें जब सब उनकी सरकार थी जी जी, तो यहाँ हमारे इलाके में नरेगा का काम बहुत तेजी में चल रहा था। जी जी, आज नरेगा का काम जो है एकदम जीरो पर। तो नरेगा काम तो वीडियो ब्लॉक से मतलब है ना? ठीक है, ब्लॉक से काम है जी, ब्लॉक से काम है, तो गांव में काम पहले पहले सरकार कराती थी ना जी जी, उस पर एक दबाव बना करके काम करो, और लेबरों को 100 दिन का रोजगार मिले जी जी। आज आज लेबर बाहर को पलायन करने जा रहे हैं, पलायन कर पता बहुत लोग बेचारे, मेरा ही एक आदमी जो है मेरे घर के बगल का बैठा जाता था, गोवा गया था काम करने, उसकी वही मौत हो गई। पलायन कर रहे हैं लोग, अगर हर गांव में काम मिल जाता 200-300 का भी, नरेगा में 200-300 की मजदूरी है, 200 का मजदूरी नहीं है यहाँ के लोगों के लिए,
एक घर में 10 आदमी काम करेंगे, 2000 काम बनेगा, ये सब चीजें हैं। तो मतलब मूड बना लिया कि इस बार अखिलेश जी को लखनऊ, हाँ लखनऊ राजशाही कुर्सी बैठाने का बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल देखिए कितना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ था, डीजल महंगा देख लीजिए, खाद देख लीजिए महंगा, DAP पोटास यूरिया डीजल कड़ू का तेल देखिए कभी नहीं हुआ था 200 रुपया किलो। ये बताइए चुनाव आ गया और इस बार किसको जीतना चाहेंगे? हम तो भाजपा, तो भाजपा का ऐसा, भाजपा का ऐसा कोई दो चार काम बताइए जिसमें आपको लगे कि भाजपा को अब जीतना चाहते हैं। नहीं, हमारा देखिए मुख्य खुशी जो है इस बात पर है कि देखिए 370 जैसे मामले को भाजपा के द्वारा निस्तारण किया गया, और दूसरा जो आतंकवाद पैसे वैसे का जो झंझट परेशानियां होती थी आने जाने वालों को, वो डिजिटल करके और नोटबंदी करके जो काम किया है इसके बारे में हमको बहुत अत्यंत खुशी है, और राम मंदिर जैसे मुद्दे को जो है भाजपा ने नवाजा है। ये बताइए बिल्कुल मतलब आप मूड बना लिए हैं इस बार मतलब योगी जी को ही बैठाएंगे? भाई हम तो अपने पक्ष में जो है अपने मानसिकता के अनुसार ऐसे ऐसे कामों को देखते हुए जो है हम योगी जी के पक्ष में। जायसवाल जी ये बताइए अभी चुनावी माहौल आ गया है, सरकार यूपी गवर्नमेंट के कार्यकाल पूरे हो गए हैं, इस बार आप भाजपा सपा बसपा कांग्रेस किसको लखनऊ भेजना चाहते हैं? मैं भाजपा को लखनऊ भेजना चाहता हूँ, भाजपा जी से। क्या ऐसा लगा कि आपको भाजपा से प्रभावित है? भाजपा के सारे कार्य ऑनलाइन प्रोसेस में, और मान लीजिए किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में आ रहा है, और रोड की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है अभी। लेकिन जहाँ सवाल ये बताइए कि अखिलेश, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अखिलेश है, अखिलेश कह रहे हैं, ऐसा क्या लगा कि अखिलेश और भाजपा क्या आप चाहते हैं? अखिलेश जी के सारे कार्य ऑनलाइन नहीं थे, वो रजिस्टर पर काम हो रहे थे, ठीक, लेकिन आज जो भी चाहे मजदूरी हो गया या किसान सम्मान निधि हो गया, हर एक चीज खाते में परमानेंट हो रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया से, इसलिए मतलब हम बहुत संतुष्ट हैं। इस बार लगता है कि योगी जी को फिर दोबारा बिठाएंगे? जी, मैंने तो कई नीजों पर भी देखा, उन्हीं का हलचल चल रहा है, मुझे विश्वास है कि दोबारा उन्हीं की सरकार आएगी। सत्येश्वर प्रसाद जायसवाल, अब ये देखिए मैं ऐसे जगह बैठा हूँ, होटल इनका ऐसे मेन चौक है जहाँ पे होटल या चाय पान की दुकान में पूरे जिले की राजनीति तय होती है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि क्या माहौल है, ये खुद बताएंगे अपने मुंह। जी बताएं। सत्येश्वर प्रसाद जायसवाल, इस बार किसको जीता रहे हैं आप? हम तो योगी जी के पक्ष में हैं। ऐसा क्या क्या योगी जी कर दिए क्या आपको लगा कि योगी जी के पक्ष में? योगी जी का जो ऑनलाइन सेवा जितना चल रहा है जी, डिजिटल कार्यक्रम जो चल रहा है, एक एक मजदूर का मजदूरी जो है खाते में आ रहा है, किसी प्रकार का अभद्रता उनके साथ नहीं हो रहा है, और जो है थाना पुलिस या रेंजापिस से जो भी गरीब जनता परेशान होती थी उसमें बहुत जल्दी निराकरण हो रहा है। लेकिन ये बताइए सत्येश्वर जी, कुछ लोग अभी हमसे कई जगह मैंने बात किया, कुछ लोग अखिलेश अखिलेश कह रहे हैं, तो अखिलेश के काम में योगी जी के क्या अंतर है, कुछ तो बताएं कि जैसे आप जो करें योगी जी तो क्या ऐसा है? नहीं, क्या है कि उनके राज्य में जो है कुछ लोगों को ये था कि बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, सुनवाई तो होती थी लेकिन देर लगती थी, इसमें सुनवाई होने में थोड़ा मतलब शीघ्रता होती है, इसमें जो है थाना पुलिस या किसी भी प्रकार का परेशान व्यक्ति जो है जल्दी सक्सेस होता है, और इनके राज्य काज में जो है बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का अभद्रता नहीं होने पा रहा है, ये देखने को मिल रहा है, और जो भी काम हो रहा है उसका सही मजदूरी मिल रहा है। मतलब ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर लोगों की राय है कि दोबारा पुनः सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और सबकी इच्छा। ये देखिए मैं पहुँचा हूँ सोनभद्र के दूधी विधानसभा में, ये जगह चौका मोड़ है, और ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, फिर भी यहाँ लोगों की राय जानने के मैं प्रयास करता हूँ, इस बार लखनऊ की सत्ता पे बैठेगा कौन? यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन बैठेगा। आपका परिचय? ये बताइए कि सिंह साहब, कि इस बार चुनावी सरगर्मियाँ तेजों पर, सभी भाजपा से लेकर सपा बसपा सब लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, मतदाताओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार लखनऊ की सीट पे राजगद्दी पे किसको बैठाना आप लोग चाहते हैं? भाजपा बैठेगी।
योगी का काम बहुत अच्छा रहा है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, और जो है सपा की सरकार में गुंडे उठी लड़ाई तो सपा भाजपा की है, लेकिन भाजपा की सरकार में। ये बताइए ऐसा कुछ क्या लगा आपको कि योगी जी ही लगा कि आपकी योगी जी को बैठा, ऐसा कुछ बताइए इनका काम जो है जो अच्छा काम किया इसके बारे में बताएं आप। जैसे आवास कभी आवास बना, शौचालय बना, उसके बाद फिर अभी ये जल जीवन मिशन वाला है, पानी के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है। अभी कोविड काल में योगी जी ने पूरा क्षेत्र में दौरा किया, कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि कोविड को कंट्रोल किया। दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वगैरह को पहले क्या होता था कि आदमी वैसे भी परेशान होता था पुलिस वगैरह से, आज वो बहुत आसानी से आदमी लेता है, बात करता है, किसी जाति विशेष की बात नहीं करना जाके बताना पड़ता कि हम समाज के हैं, उन्हीं को बैठने के लिए थाने में भेजा जाता है। अब अभी क्या है कि कोई भी आदमी जाता है, आम नागरिक किसी भी, मतलब आपको ऐसा लग रहा कि भाजपा गवर्नमेंट से आप संतुष्ट हैं पूर्णतः, मतलब योगी जी फिर बैठेंगे ऐसा आपको लग रहा है? हम ये नहीं जान रहे, संगठन का काम है कि योगी जी बैठेंगे, कि केशव मौर्य बैठेंगे, कि दिनेश शर्मा बैठेंगे जी, बिल्कुल भाजपा की सरकार है। आपका नाम? चंद्रप्रकाश गुप्ता। चंद्रप्रकाश जी ये बताइए इस बार किसकी सरकार, किसको आप लखनऊ भेजना चाहते हैं? भाजपा। ऐसा क्या लगा कि भाजपा को आप भेजना चाहते हैं? बीजेपी काम बढ़िया है। क्या काम बढ़िया? एक काम कोई बढ़िया अच्छा कोई जातिवाद उसमें नहीं है, समाज में अच्छा काम हो रहा है। जातिवाद नहीं है, समाज काम हो रहा है, फिर भी एक आध काम कोई ऐसा बताइए जिससे आप बीजेपी से संतुष्ट हो। उनका सारा काम बढ़िया है, सारा काम बढ़िया है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसमें प्राइम टीवी की टीम दुद्धी विधानसभा की कई गांवों में सर्वे की, जिसमें ये नजर आया कि भाजपा के कामों से संतुष्ट हैं, लेकिन महंगाई से लोग नाराज नजर आ रहे हैं, और भाजपा को कड़ा टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। कैमरामैन चंदन श्रीवास्तव के साथ रविंद्र पांडे, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।